हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, SKK न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंजलि, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। पटना सिटी बिहार के लोक गायन के क्षेत्र में भीष्म पितामह रहे। 95 वर्षीय कलाकार लोक गायक अब आकाशवाणी और दूरदर्शन पर उनकी गायकी नहीं सुन पाएंगे। आज उनका निधन पटना सिटी स्थित मकनी तल निवास स्थान हो गया। इससे पूरा बिहार जगत के कलाकार और पटना सिटी के कलाकारों का जमावड़ा लग गया। उनके निवास स्थान से पार्थिव शरीर को लेकर शोभा यात्रा निकालकर सभी ने खाजे कला घाट पास ले जाया गया, जहां घाट पर उनके पोते के द्वारा मुखाग्नि दिया गया। जगन्नाथ पंडित ऐसे गायक और वादन के चर्चित कलाकार रहे, जिनकी महान आवाज वादन अब आकाशवाणी और दूरदर्शन पर नहीं सुनी जाएगी। विगत 75 या 80 वर्षों से लोग सुनते आ रहे थे। उनके लोक गायकी कई सहयोगी और शिष्य जैसे श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, पंडित सियाराम तिवारी आदि कलाकार भी उनके नतमस्तक होते थे। भारत के कई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल और अन्य मंत्री बिहार के कई संस्थाओं के हाथों सम्मानित भी हो चुके थे। लेकिन दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि कभी भी बिहार सरकार या भारत सरकार ने ना तो भारत रत्न, पद्मश्री, पद्मभूषण उन्हें देकर सम्मानित नहीं किया गया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त रंगकर्मी व सांस्कृतिक पुरुष विश्वमोहन चौधरी संत ने कहा कि भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि मरणोपरांत उन्हें यानी स्वर्गीय जगन्नाथ पंडित को इस उपाधि को देकर सम्मानित करें। मरणोपरांत बिहार सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इनके परिवार की दयनीय स्थिति को देखकर परिवार के किसी भी एक कलाकार को सरकारी नौकरी दिया दे, ताकि उनके परिवार को दी जून को रोटी मिल सके। शोभा यात्रा में इवेंट निर्देशक नीरज सिन्हा, मुकेश सिन्हा, गणेश राज, संजय कुमार, उदयन झा, सन्नी गुप्ता, सनी कुमार, बड़े बेटे संगीत निर्देशक विनोद पंडित, गुलाजी, अरुण कुमार गौतम आदि प्रमुख थे। चल मुन्ना, तो फोटो बहुत बढ़िया, जा जा, तो माफ हो जाएगा एक महीने का। इधर इधर दूसरे को जरते हुए नहीं। रे यहाँ ऐसा बात बोलेगा? अरे अपने पड़ गए यार, टोटल लेना कह रहा है बाबू, नामी आदमी ना थे। हाँ हो गया सर, ना के चाया झूठ मुठ गया, झूठा मुठा तो है ये पॉकेट में।